हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है मैं हैप्पी जोन में। तो ये हमारा चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो आज हम लोग जा रहे हैं माथेरान के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माथेरान के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि माथेरान को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, और अगर कोई माथेरान को दूर से वहाँ पर इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो उनके रहने खाने पीने के लिए कौन से अकोमोडेशन ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे माथेरान में विजिट करने के लिए, देखने के लिए कौन से बेस्ट पॉइंट है, उसके बारे में भी इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूले और अंत तक बने रहिए। थैंक यू। तो मैं अभी निकल चुकी हूँ अपनी बाइक लेके माथेरान के लिए, और बारिश तो कभी भी आ रही थी और चले जा रही थी, तो इसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा था। तो मैं ठंडी ठंडी हवा लेते इंजॉय करते जैसे तैसे करके नीरल तक पहुँच गई, और थोड़ा सा नीरल से आगे जाते ये एक येलो कलर का गेट दिखता है, तो यहाँ से माथेरान का रास्ता स्टार्ट होता है। और यहाँ से माथेरान का मेन एंट्री गेट जो है ऊपर, वो 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पे, लेकिन जैसे मैंने ये येलो गेट में एंट्री की तो मुझे चारों तरफ हरियाली और जगह जगह पे पानी के झरने देखने को मिले। तो अगर आप अपने पर्सनल बाइक या फिर कार से माथेरान को जा रहे हो तो यहाँ पे रुक के आप फोटो सेशन भी कर सकते हो और ये ब्यूटीफुल से व्यू और वेदर को भी इंजॉय कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है, अगर आप माथेरान को आना चाहते हो तो अपने पर्सनल बाइक से और कार से आना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि माथेरान को जाते जाते रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल से व्यू और पानी के हमें झरने देखने को मिलते हैं जगह जगह, तो रुक के आप अपना इंजॉय करते जा सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रेन से आना चाहते, कहीं से भी इंडिया में आप ट्रेन से आने वाले हो, तो आपको माथेरान के नज़दीक जो एक जंक्शन लगता है वो कल्याण जंक्शन लगता है, तो कल्याण जंक्शन में आपको उतर के लोकल ट्रेन लेनी होती है नीरल के लिए, और नीरल से आपको डायरेक्ट एक टॉय ट्रेन मिलती है जो माथेरान तक जाती है। लेकिन अगर कोई बारिश के सीजन में ट्रेन से आना चाहते हो तो उनके लिए नीरल से जो माथेरान के लिए टॉय ट्रेन होती है वो बंद रहती है, तो आपको नीरल में उतर के नीरल से आपको लोकल टैक्सी या फिर जो भी व्हीकल ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे वो लेके आपको माथेरान तक पहुंचना होगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जुम्मापट्टी, ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है जो नीरल से जुम्मापट्टी होते हुए माथेरान तक जाती है, जो कि अभी फिलहाल बारिश की वजह से बंद है। तो अभी हमें टॉय ट्रेन ऊपर माथेरान के मेन एंट्री के बाद वहां से लेके अंदर माथेरान स्टेशन तक देखने को मिलेगी, तो ऊपर जाके हम लोग टॉय ट्रेन का भी अभी सफर करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे माथेरान को ज्यादातर लोग टॉय ट्रेन को इंजॉय करने के लिए और उसका सफर करने के लिए आते हैं। तो ये जुम्मापट्टी टॉय ट्रेन स्टेशन के साइड में आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू था, जो कि दूर हमें एक पानी का डैम भी देखने को मिल रहा है और उसके साइड में पूरी हरियाली है, और अभी फिलहाल तो बारिश थोड़ा रुका है तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और यही जुम्मापट्टी पे आप चाय नाश्ता भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे 1 से 2 स्टॉल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे प्राइस भी रिजनेबल रहेंगे, तो हमने भी यहीं पे थोड़ा बहुत नाश्ता और चाय करके निकल दिए। और माथेरान पहुँचने तक हमें जगह जगह पे ऐसी टॉय ट्रेन की पटरियाँ देखने को मिलेंगी, और देखिए यहाँ पे फिर से एक ब्यूटीफुल सा हमें पानी का झरना देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारा नजारा है, कितने ऊपर से हमें पानी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे मैं माथेरान के नजदीक पहुंच रही थी वैसे वैसे रास्ता थोड़ा सा रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि घाट सेशन बढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक के ऊपर से नीचे के गांव का ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय किया, और थोड़ा सा आगे आते एक मुझे बड़ा सा पानी का झरना देखने को मिला। और माथेरान को जाने के रास्ते में नीचे से जितने भी अभी तक मुझे झरने देखने को मिले उसमें से ये झरना सबसे बड़ा झरना था, क्योंकि यहाँ पे काफी ऊपर से और बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था, और स्पेशली ये झरने को एंजॉय करने के लिए लोग काफी दूर से भी आए हुए थे, और यहाँ पे लोग दिल से मस्ती भी कर रहे थे, आप खुद भी देख सकते हो।
और ये झरना माथेरान से बहुत ही नजदीक है और ये जो रास्ता दिख रहा है यही रास्ता माथेरान को जाता है। और फाइनली मैं पहुंच गई माथेरान और साइड में आपको एंट्री करते देखने को मिलेगा पार्किंग एरिया जहां पे आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं और ये पेड पार्किंग है। तो इसके जो चार्जेस है यहाँ पे मैंने मेंशन किए, आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैंने बाइक को पार्क किया है तो पार्किंग के साइड में हमें ये मेन गेट दिखता है। तो ये मेन गेट में हमें अंदर जाते ही पहले एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो फर्स्ट विंडो है ना यहाँ से टिकट लेना है और इसके जो चार्जेस है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ से टिकट लेके हमें यहाँ पे जो पुलिस बैठे उनको शो करना पड़ता है। तो ये अभी हमें टिकट पूछेंगे। तो टिकट दिखा के मैंने एंट्री किया, एंट्री करते ही ना मुझे एक फुल कवर्ड एक केज जैसा दिखता है थोड़ा दूर तक। और माथेरान में बहुत सारे पॉइंट हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा दूर दूर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा पैदल नहीं घूमना चाहते तो उनके लिए यहाँ पे ऑटो भी रहेंगे, हॉर्स भी रहेंगे, उसके अलावा टॉय ट्रेन भी रहेगी। तो इनकी हेल्प से भी आप यहाँ पे घूम सकते हो। इनके चार्जेस रहते हैं, वो चार्ज पे करके आपको इनको हायर करना पड़ेगा। लेकिन ऑटो और टॉय ट्रेन जो है, अंदर एक माथेरान का स्टेशन रहता है वहाँ तक ही आपको सिर्फ ऑटो और टॉय ट्रेन मिलेंगे। उसके आगे आपको जहाँ पे भी घूमना रहेगा वहाँ पे सिर्फ आप हॉर्स ही हायर कर सकते हो। और बंदर तो आपको यहाँ पे जगह जगह पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपके हाथ में कुछ है या फिर आप कुछ खा रहे हो तो वो तभी देखेंगे, तो आपको थोड़ा परेशान करते, तो वैसे टाइम पे आप अपना टेक केयर करें। और यहाँ पे रहने के लिए बेस्ट रिजॉर्ट्स भी है लेकिन इसके चार्जेस थोड़े ज्यादा है, लाइक वन डे के लिए 4,000-5,000 के रेट्स है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अमन लॉज स्टेशन। ये टॉय ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन है जहां से मैंने मेन गेट में टिकट दिखा के जो एंट्री की थी, वहां से अगर हम लोग स्टेट आएंगे तो थोड़ा आगे आते हमें ये स्टेशन दिखेगा अमन लॉज करके। अगर हमें टॉय ट्रेन का सफर करना है तो ये फर्स्ट स्टेशन यहाँ पे लगेगा आते ही। तो यहाँ पे ट्रेन के भी टाइमिंग टेबल है और उसके चार्जेस है, तो चार्जेस पे करके हमें पहले यहाँ पे ट्रेन के लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड क्लास का टिकट लिया है क्योंकि उतनी ज्यादा रश नहीं है तो ट्रेन मुझे खाली दिख रही थी, तो मैं टिकट लेके अभी ट्रेन के पास बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन के पास जाके हमें रुकना होगा और वहां पे ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से आएगी। तो अभी हम लोग टॉय ट्रेन से यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे माथेरान स्टेशन है तो वहां तक जाएंगे, तो वहां पे हमें ये ट्रेन ड्रॉप करेगी। तो ट्रेन अभी ऑलरेडी आ चुकी है, स्टेशन पे लगेगी तो हम लोग इसमें बैठ जाएंगे। तो टॉय ट्रेन अभी आ चुकी है स्टेशन पे, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट और टॉय के जैसी ही ट्रेन है और इसमें डब्बे भी सिर्फ 4 से 5 ही है और इसमें भी 2 क्लास है, एक फर्स्ट क्लास और दूसरा सेकेंड क्लास है। तो हमने तो सेकेंड क्लास का टिकट लिया था तो सेकेंड क्लास के डब्बे में मैं चढ़ चुकी हूँ। और यहाँ पे सीटिंग ना बहुत ही कंजिक्यूटिव है, मतलब उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, 1 से 2 लोग हम लोग आमने सामने बैठ रहे तो पैर टच हो रहे थे। तो देखते हम लोग उतर के फर्स्ट क्लास का कैसा सीटिंग है वो भी देखते हैं। तो अभी अमन लॉज स्टेशन से ट्रेन बढ़ चुकी है तो अभी हम लोग चले माथेरान स्टेशन के लिए। और यहाँ से टॉय ट्रेन और ऑटो ओनली माथेरान स्टेशन तक ही मिलेंगे, उसके आगे हमें जहाँ भी जगह जगह पे पॉइंट देखने के लिए घूमना है तो वहाँ से आगे हमें टॉय ट्रेन और ऑटो नहीं मिलेंगे, उसके आगे हमें घोड़े या फिर टांगे ही लेना पड़ेगा घूमने के लिए। तो अभी आप इंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल वेदर और व्यू को। और माथेरान में बहुत सारे लोग बसे हुए और ये एक छोटा गांव टाइप में, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, छोटे होटल्स है, एटीएम्स है, रिजॉर्ट है,
तो यहाँ पे अगर कोई 2 से 4 दिन की छुट्टी मनाने के लिए या फिर वेकेशन पे आना चाहते हैं तो बिंदास आ सकते हैं, क्योंकि ये सब फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम लोग टॉय ट्रेन का सफर करते करते बेस्ट व्यू को और वेदर को एंजॉय करते माथेरान स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे टॉय ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डब्बा कैसा है और उसमें क्या फैसिलिटी, क्योंकि सेकेंड क्लास से तो अभी जस्ट हमने ट्रैवल किया और उसमें स्पेस ही नहीं है बैठने के लिए, बहुत ही कंजिक्यूटिव। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो ये सेकेंड क्लास का डब्बा है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्लास में क्या डिफरेंस है और उसकी सीटिंग कैसी है। तो आप देख सकते हो ये टॉय ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डब्बा है। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के डब्बे में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। फर्स्ट क्लास में थोड़ा स्पेस भी है और सीटिंग भी थोड़ी अच्छी है। ओवरऑल टॉय ट्रेन का सफर बहुत ही मजेदार रहा है और बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी छोटी सी ये ट्रेन होती है और बहुत स्लो चलती है। तो अभी हम लोग माथेरान स्टेशन से मेन गांव में आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको जो भी पॉइंट पे घूमने के लिए जाना है तो आप पैदल भी घूम सकते हो या फिर आप यहाँ पे हॉर्स या फिर टांगे से भी घूम सकते हो, लेकिन इसके चार्जेस रहता है। जो भी पॉइंट जितने भी डिस्टेंस पे रहता है उसके बेसिस पे इसके चार्जेस रहता है, लाइक 300-400 तो पे करके आपको इनको हायर करना होता है। और यहाँ पे माथेरान गाँव में खाने पीने के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट है, होटल है और जगह जगह पे आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए गेमिंग जोन है और गार्डन्स भी है और यहाँ पे एटीएम भी अवेलेबल है। और अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट है, मतलब रिजॉर्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आपको हो सकता है यहाँ पे प्राइस भी थोड़ा रिजनेबल मिले क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट ज्यादा है। और जो हमने माथेरान के मेन गेट में टिकट दिखा के जो एंट्री किए थे उसके आगे जो हमें रिजॉर्ट देखने को मिले थे वहाँ पे बहुत ही कम रिजॉर्ट थे और वहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा थे, हमने वहाँ पे पूछा था। और रास्ते में मुझे चलते चलते ये गार्डन दिखा तो गार्डन के लास्ट पॉइंट पे बहुत ही प्यारा व्यू था, जहाँ पे फुल फॉग था और एकदम ठंडी हवा आ रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ना, वहाँ पे एक सुकून लग रहा था। और उसके साइड में एक कॉर्नर पे एक छोटा होटल भी है, तो यहाँ पे आप बाहर ही टेबल और चेयर लगा के ना ठंडे मौसम को इंजॉय करते अपना टी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ऐसे तो यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट हैं घूमने के लिए, लेकिन जो मस्ट विजिटिंग पॉइंट रहेंगे, मतलब जो बेस्ट व्यू वाले और घूमने वाले पॉइंट रहेंगे, वहाँ पे मैं खुद विजिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग निकले शार्लेट लेक के लिए, जहाँ का व्यू और वेदर बहुत ही प्यारा है। तो आप खुद देख सकते हो रास्ते में भी वेदर कितना प्यारा है, पूरा धूप का है और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी गिर रही थी। और ये देखो बंदर कितना परेशान कर रहे, कोई आइसक्रीम खाता हुआ यहाँ से निकल रहा है तो उनको देखते ही ना, जब तक उन्होंने आइसक्रीम नहीं फेंका तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा ये बंदर। तो आप टेक केयर करिए अगर कुछ खाते हुए रास्ते से गुजर रहे हो तो। और यहाँ पे मुझे ये एक बात बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे घूमने के जितने भी पॉइंट है ना उनके पर्टिकुलर नेम और किलोमीटर और डायरेक्शन के साथ हमें जगह जगह पे होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विजिट करना है तो उसके नेम के डायरेक्शन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो वो लोकेशन पे हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं विदाउट किसी के हेल्प लिए। तो अभी हम लोग पहले शार्लेट लेक को विजिट कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वो पॉइंट यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन रास्ते में वेदर बहुत ही प्यारा था, आप खुद भी देख सकते हो फुल फॉग है और थोड़ा थोड़ा सा शबनम भी गिर रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। और जंगल में पक्षियों की भी इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी ना, उससे बहुत ही पीस और सुकून लग रहा था। तो फाइनली मैं पहुंच गई शार्लेट लेक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो आप खुद भी देख सकते हो और व्यू को इंजॉय कीजिए। ये टैम का वाटरफॉल है और उसके साइड में आप ये देख सकते हो ये रिवर्स वाटरफॉल है, ये वाला जो कि पानी जो गिर रहा है ना वो फिर से रिवर्स आता है। और ये सब व्यू को लाइव में देखना बहुत ही मस्त था और मेरे हिसाब से तो माथेरान को विजिट करना वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे आप इंजॉय करोगे और बहुत ही पीस है यहाँ पे।
एंड आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 20 पॉइंट हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट के बीच में 2-2, 3-3 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो एक ही दिन में पूरे पॉइंट कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट बार मैं जाऊँगी और ये 20 पॉइंट्स में से जो मस्ट विजिटिंग पॉइंट रहेंगे, मतलब जो बेस्ट व्यू वाले पॉइंट रहेंगे, वही मैं कवर करूंगी और उसके ही लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।